माना जा रहा है कि अब आदुराम की टिकट पक्की हो गई है जिस तरीके से। ऐसा है, टिकट तो मेरी भी पक्की थी, मेरी भी कट गई। कब 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 कौन से? पिछली बार मेरी भी टिकट पक्की थी, मैं सिटिंग MLA था, 23,000 वोटों से जीता हुआ था। हाँ। लेकिन वो संगठन को मजदूर जो करेगी वो। हाँ। मेरी भी टिकट पक्की थी, मैं तो श्योर मान के जीत भी श्योर मान के था। अब अगर दे रहा है दुरुस्त है, क्यों कह रहे हो आप? क्या लग रहा है, क्यों, किस चीज में बीजेपी ने ऐसा है कि आदुराम की आपकी बात को काटते हुए पहले ही बात करूंगा। बाड़मेर एक ऐसी सीट है जहां पर मोदी लड़ती 2013 में, उस वक्त भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। अब ऐसा है, अब मोदी ने यह भी चाहते उनके साथ साथ हमारा प्रत्याशी भी अच्छा मना एक बुलंद बढ़िया आदमी हो जो सब जनता को छत्तीसगढ़ कौमों को साथ में लेकर पद्मनाम जी का चार बना है बोले जल्दी कभी जो चौहटन के अंदर है, क्योंकि आप चौहटन काबिल तारीफ भी है, वो उस तरह से जिस तरह से देर आए तो दुरुस्त आए, हमारी पार्टी ने जो एक अच्छा फैसला लिया है जिसके अंजाम बहुत जो आगाज अच्छा है तो उसका अंजाम भी अच्छा होगा। देर आए दुरुस्त आए क्यों कह रहे हो आप? क्या लग रहा है, क्यों, किस चीज में बीजेपी ऐसा ने है बना बोले जल्दी करना चाहिए, जब तक हम मना बहुत काफी कुछ खो चुके हैं, अब उसको संचार करने के लिए युवाओं को लाए तो उससे बहुत बढ़िया इसका नतीजा निकलेगा। क्या लग रहा है, चार जो सीटें हैं इनके जो संगठन की दृष्टि से, उसमें से बाड़मेर एक ऐसी सीट है जहां पर मोदी लड़ती 2013 में, उस वक्त भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। अब ऐसा है, अब मोदी सब हमारे संगठन की सबकी लहर है और हमारी जो जनता है 90% भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, हमको कैंडिडेट मिलना चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रियंका जी चौधरी को वापस अगर दोहराया गया तो मैं देखता हूँ 100% अंजाम मिलेगा। आपका भी जो चौहटन के अंदर है, क्योंकि आप चौहटन से पूर्व विधायक है, आदुराम के साथ में आपके काफी मतभेद रहते हैं, सोशल मीडिया पर आप समय समय पर लिखते रहते हैं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आदुराम की? आपकी बात को काटते हुए पहले ही बात करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे मैं एक कवि हृदय का आदमी हूँ, शुरू से मेरा जो लहजा रहा है शायर व शायरी का रहा है, मैं अपनी धुन में मस्त अपनी बात लिखता रहता हूँ। अगर कोई उसी मिजाज का या उसी विचार का कोई आदमी खुद पे ले ले तो उसका मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मेरे पे भी लागू हो सकती है, इनके लागू हो सकती है, इनके लागू हो सकते हैं, उसमें से जो अपना अंदाजा उनका अर्थ या कोई भी अपना मतलब निकाले वो उसका वही जाने। अच्छा, क्या लग रहा है आदुराम जी जिस तरीके से जिलाध्यक्ष थे, उनका जितना कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा? अब देखो नहीं ऐसा रहा, ये भीड़ बता रही है। हाँ। मेरे को कहने के मतलब ने हाथ के कंगन को आरसी क्या, लिखे पड़े को फारसी क्या। हाँ। बस ये भीड़ बता रही है, इस भीड़ से ही पूछ लो। ऐसा माना जा रहा है कि अब आदुराम की टिकट पक्की हो गई है जिस तरीके से? ऐसा है, टिकट तो मेरी भी पक्की थी, मेरी भी कट गई। कब 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 कौन से? पिछली बार मेरी भी टिकट पक्की थी, मैं सिटिंग MLA था, 23,000 वोटों से जीता हुआ था। हाँ। लेकिन वो संगठन को मजदूर जो करेगी वो। हाँ। मेरी भी टिकट पक्की थी, मैं तो श्योर मान के जीत भी श्योर मान के था। अब अगर इसका फैसला जो मंजूर था वो संगठन जाने संगठन। इस बार भी आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल हूँ, मैं कब हटा हूँ, कभी हटा नहीं हूँ, नहीं किया हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैदान में हूँ, खड़खम तैयार हूँ, इस विषय को दिक्कत नहीं। आप हालांकि मेरे बाल जरूर सफेद है लेकिन दिल बिल्कुल अच्छी है, जवान है। आदुराम जी के रहते हुए आपको पूरे भाव नहीं मिलते? देखो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी के रहते हुए या करते हुए या कभी किसी का आर्या आता ही नहीं है, कौन हर को अपने अपना तकदीर लिखा के लाता है और अपने धुन में मस्त होता है, मैं मेरी धुन में मस्त। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है 2023 में, बीजेपी क्या कुछ कर पाएगी? मैं एक ही बताऊं कि आपको कहा था 90% जनता वोट देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये भी चाहती है उनके साथ साथ हमारा प्रत्याशी भी अच्छा मना एक बुलंद बढ़िया आदमी हो जो सब जनता को छत्तीसगढ़ कौमों को साथ में लेकर। पद्मनाम जी का 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? पद्मनाम जी की तो कार्यकाल तो जनता जाने, मैं उसका इतना मैं कह रहा हूँ, मैं जनता यूं हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, मैं कह रहा हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे चौहट में अच्छी तरह से राजकुमारी जनता के हिसाब से किसी वहाँ के स्थानीय आदमी को टिकट दे देगी तो